गाइस ये रेसिपी देखने के बाद आप भूल जाएंगे रेस्टोरेंट से कोई भी फूड्स ऑर्डर करने के लिए। जय जगन्नाथ, मैं सुजाता, वेलकम टू माय चैनल सुजो ओडिशा। मैं लाई हूँ आज का स्पैनिश का जो शानदार एक रेसिपी है, उसका नाम है फ्रिटाटा। बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाला है और बहुत ही कम समय में। तो गाइस एंड तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस हमारे घर पर जो भी सब्जी हमारा अवेलेबल है उसी सब्जी में से हम बनाएंगे, तो उसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अच्छा टेस्ट के लिए हम डालेंगे उसमें छोटे छोटे पीस में काटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक भी डाल सकते हैं और हरी मिर्ची उसके साथ साथ, और उसके अकॉर्डिंग हम डालेंगे अंडा, फिर उसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे एक। तो गाइस अंडा के साथ वेजिटेबल अच्छा से मिक्स होके रेडी है। तो अभी हम कढ़ाई को अच्छा से गरम कर लेंगे, कोशिश करेंगे बड़ा कढ़ाई लेने के लिए ताकि अच्छा से बन जाए। तो फिर डालेंगे उसमें तेल, तेल जैसे गरम हो जाता है इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, टेस्ट के लिए आप चाहे तो सूखा मिर्ची भी डाल सकते हैं। अच्छा से जैसे फ्राई हो जाएगा देन हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल अंडा के साथ जो मिक्स हुआ रखे थे। गाइस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा जो अंडा है लास्ट में बच जाता है तो सारे में मिक्स होके रहे, और चारों तरफ से उसको अच्छा से ऐसे सेम लेवल पर रखना है। और इसे पकने के लिए लो फ्लेम में रखेंगे, आप चाहे तो इसको ढक भी सकते हैं। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसका रिजल्ट आपको एंड तक ही देखने के लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑमलेट बन रहा है जिसको फ्रिटा बोलते हैं, तो ये बहुत ही स्पेस कम ले रहा है तो हम इसको पलटा नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है हम इसको तवा में थोड़ा तेल देके और इसको पलटा देंगे। उसके लिए कढ़ाई को हटा देंगे, देन हम तवा को अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर डालेंगे उसमें थोड़ा सा तेल, देन इसको पलटा देंगे। बट पलटाने का टाइम को धीरे से पलटाना है। और गाइस आप बिलीव नहीं कर सकते मैं कितना खुशी महसूस कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और एक पिज्जा तरह ही दिख रहा है। जैसे कि गाइस मैं बता रही थी आप लोगों को कि इस ये वीडियो में एक मैजिक देखने के लिए मिलेगा, इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, वो हमको ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो एंड तक जरूर आपको मिल जाएगा और ये पिज्जा तरह ही दिख रहा है गाइस। और गाइस इस बात को ध्यान रखेंगे फ्रिटाटा जब तक रेडी नहीं होती हम गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे। गाइस इस वीडियो के साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस जो लिंक के माध्यम से मैं अपडेट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, और कैसा रहा कमेंट के माध्यम से मुझे बताना ना भूले। तो गाइस हमारा फ्रिटाटा फाइनली रेडी है, तो हम इसे केक जैसा ही मीडियम साइज में काट लेंगे। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको डिटेल्स में पता रहेगा, देन आप अपना घर पर बना के जरूर टेस्ट करिए, और आप चाहे तो लंच डिनर और सुबह शाम को आप जरूर नाश्ता और स्नैक्स के रूप में जरूर ट्राई करें। और मैं आपको वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में। आई होप मेरा ये रेसिपी आज का बहुत ही आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।